देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग ने किया था प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम, ठीक है। उसको फिर से हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम था। प्राइम नंबर में हम लोग क्या कर रहे थे इसमें कैसे पता कर रहे थे हम लोग कि प्राइम नंबर है? सर कंडीशन देखे, कुछ कंडीशन दे के ऐसी लगा दो। क्या कंडीशन रहता है? सर आई इज इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन इक्वल टू नम और आई प्लस प्लस नहीं, वो तो और ठीक है, वो रिमेंडर सब इज इक्वल ठीक टू है। नम डिवाइडेड बाय आई। प्राइम कोई भी नंबर हम लोग कब बोलेंगे कि प्राइम नंबर है? नंबर जब टू उसकी वैल्यू जब टू टू या फिर कुछ से डिविजिबल हो तब प्राइम नंबर बोलेंगे। जब वो वैल्यू जो है, वो नंबर जो है, 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। स्क्रीन दिख रही कि नहीं दिख रही है? नो सर साला अटेंडेंस वाली दिख रही है बस। अटेंडेंस वाले दिख रही है। ओके ठीक है। ठीक, ठीक है, अभी दिख रही है। यस सर। ओके ठीक है। तो हम लोग ने प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया था और इसमें हम लोग लॉजिक लगा रहे थे कि अगर जो भी हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, जो नंबर ले रहे हैं, वो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा हम लोग को? हम लोग उस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो हम लोग ने एक नंबर डाला, 12, ठीक है। नंबर क्या डाला मैंने? 12 डाला, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं ड्राई रन करके बता रहा हूँ, ठीक है। जो हम लोग कल प्रोग्राम किए थे, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। किसी ने करके देखा था ड्राई रन कि नहीं करके देखा था? यस सर किए थे। किए थे? ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है। मैं इसको थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है अभी? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं इसको ड्राई रन करके बताता हूँ कि कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या किए थे? सबसे पहले एक नंबर एंटर कर लिए थे, ठीक है, नम, ठीक है। वैल्यू को हम लोग को चेक करना था, प्राइम और नॉट, ठीक है। एक नंबर हम लोग एंटर कर लिए, तो मैं यहाँ नम की वैल्यू दे रहा हूँ 12, ठीक है। नम मैंने 12 एंटर किया, ठीक है। अब लूप हम लोग का कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 1 से लेके वो नम तक चल रहा है, ठीक है। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके 12 तक चलेगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 1 से लेके 12 तक चल रहा है। अब 12 जो वैल्यू हम लोग डाले हैं, वो पूरे के पूरे 12 तक डिवाइड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? नम मॉड आई, क्या दिया हुआ है? नम मॉड आई, ठीक है। नम को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं आई की वैल्यू से। नम की वैल्यू है 12,
आई की वैल्यू रहेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 12 बार लूप चलेगा, 12 बार 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लूप में आ जाते हैं, लूप में आई की वैल्यू ले रहे हैं हम लोग 1, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ की वैल्यू 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लेते हैं इक्वल टू नम मॉड आई, आई की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे मैं आई ले लेता हूँ, यहाँ इक्वल टू 1 हटा देते हैं, रिमाइंडर 1 आता है, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं फ्लैग, ठीक है। आई की वैल्यू है 1, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे 12 को डिवाइड किए, किसको डिवाइड किए, 12 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो क्या आउटपुट आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो क्या आएगा, जीरो 0 आएगा, ठीक है। जब जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इफ इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है, तो फ्लैग प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा, फ्लैग प्लस प्लस, ठीक है, फ्लैग प्लस प्लस हम बुक कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू 0 थी, अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फ्लैग की वैल्यू स्टार्टिंग में हम लोग 0 से इनिशियलाइज किए थे, ठीक है, अब क्या हो गई, 1 हो गई, क्यों 1 हो गई, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया, क्लियर है, इतना समझ में आया, स्टेप नंबर 1, ठीक है। लूप की सर। वैल्यू 1 है अभी, ठीक है, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, आई प्लस प्लस होगा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 12 मॉड 2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी, प्लस 1 होगा तो फ्लैग की वैल्यू 2 हो गई, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, 12 mod 3 क्या हो जाएगा, 0 0,0 ठीक है, 0 हो गया। फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 1 हो करेंगे, 3 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद 4 हो गई, ठीक है, आई की वैल्यू हुई 4, ठीक है, 12 mod 4 क्या होगा, 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। फिर फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू है 5, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, 12 mod 5 डिवाइड होगा कि कंप्लीटली नहीं होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, 12 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। शेषफल जिसको बोलते हैं हम लोग, शेषफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 4 का 4 ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू हो गई 6, ठीक है, 12 mod 6 क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 6 2s are 12, जीरो ठीक है। तो यहाँ ट्वेल्व टू वैल्यू हम आएगा, लोग को 0 मिलेगी, ठीक है, जीरो आएगा सर। हाँ 0 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू थी फ्लैग की 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक आई बज जाएगी। है। अब आई की वैल्यू हो गई 7, ठीक है, 12 mod 7 क्या हुआ, क्या आउटपुट आएगा, फाइव 5 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर आया 5, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 5 ही रहेगी, फाइव ठीक है। अब आई की वैल्यू हो गई 8, ठीक है, फिर क्या होगा, 12 mod 8 क्या होगा, इक्वल टू
कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि 8 से? नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो रिमाइंडर आएगा होगा 4, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। 9, सॉरी 12 मॉड 9, क्या आउटपुट आएगा? थ्री 3 आया, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? 5 ही रहेगी, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। 12 मॉड 10 क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू क्या आएगी? 5 ही रहेगी, ठीक है। लूप की वैल्यू हुई 11, ठीक है। 12 मॉड 11 क्या आउटपुट आएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। लूप की वैल्यू होगी 12, ठीक है। 12 मॉड 12 कितना आएगा रिमाइंडर? जीरो 0, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 + 1 6 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लूप की वैल्यू हुई 13, ठीक है। 13 में एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन जो हम लोग लगाए हैं वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही फॉल्स हो गया, लूप रुक गया और सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये फॉर लूप का है, ठीक है। ब्रैकेट, ये लूप से सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाहर आएगा तो उसको स्टेटमेंट मिलेगा इफ फ्लैग इक्वल टू टू। क्या मिल रहा है? फ्लैग इक्वल टू टू, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू क्या है? 6 है, ठीक है। 6 इक्वल टू टू है क्या? 6 इक्वल टू टू है? ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो क्या बताएगा? 12 इज नॉट प्राइम, ठीक है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ से बताऊं? सर जीरो के बाद से हाँ सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर, क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आ रहा। नेटवर्क में आके क्लास अटेंड किया करो, ठीक है। नेटवर्क में आके थोड़ा बोलो, कहाँ से नहीं समझ में आया? इसे शुरू से बताइए ना सर एक बार। अरे शुरू से ठीक है, शुरू से बताते हैं फिर से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। साथ में कॉपी पेन रख के बैठा करो, है ना। एक एक स्टेप जैसे जैसे बताते जाता हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ, है ना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग? ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो। अब मैं यहाँ पे कोई यस दूसरी वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ 9। क्या डाल रहा हूँ? 9 वैल्यू डाला, ठीक है। प्राइम नंबर का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? क्या लॉजिक होता है? सर आ गया आ गया, ठीक है। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ठीक है। 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक नंबर एंटर किए 9, ठीक है। नम इक्वल टू 9, नम नाम का ही हम लोग यहाँ वेरिएबल लिए हैं। इसी नंबर को हम लोग को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक लूप लगाए हैं। लूप क्यों लगाए हैं?
इस नंबर को हर एक नंबर से डिवाइड करेंगे, वन से लेके वो नंबर तक हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर 9 एंटर किए तो 9 बार लूप चलेगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तक हर एक नंबर से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो भी रिमाइंडर आएगा उसका, हर बार डिवाइड होगा तो जो भी उसका रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो एक हम लोग वेरिएबल लिए फ्लैग, क्या वेरिएबल लिए फ्लैग लिए, फ्लैग की वैल्यू हम लोग +1 कर देंगे। फ्लैग जो है हम लोग स्टेटस को स्टोर करने के लिए लिए हैं वेरिएबल, ठीक है, स्टेटस को स्टोर करने के लिए लिए हैं हम लोग फ्लैग वेरिएबल, ठीक है। फ्लैग एक स्टैंडर्ड वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बुक्स वगैरह में भी दिया होगा फ्लैग यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह भी पढ़ोगे तो वहाँ पे फ्लैग यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फ्लैग हम लोग स्टेटस को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। नम की वैल्यू है 9, ठीक है। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? वन से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब हम लोग की नम की वैल्यू है 9, 9 mod 1 क्या होगा? रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है, क्लियर। फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? वन होगी, ठीक है। क्यों वन होगी? क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं हम लोग एक कंडीशन में, इफ स्टेटमेंट हम लोग लिखे हैं, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 देन क्या एग्जीक्यूट होगा? फ्लैग प्लस प्लस, मतलब फ्लैग की वैल्यू इनिशियलाइज हम लोग किए थे 0 से, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लैग की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, क्लियर। देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा वैल्यू, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। 9 mod 2, 9 mod 2, 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर? और 1 आएगा, ठीक है, 1 आया, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? वन 1 ही रहेगी, ठीक है, आएगा 1 + 1 नहीं होगा, 1 होगा सिर्फ। ठीक है, रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं आया ना, तो फ्लैग की वैल्यू सेम रहेगी, क्लियर। आई की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, 9 mod 3 क्या होगा? रिमाइंडर कितना वन होगा, आएगा? कहाँ से 1 होगा जीरो, यार महाराज? हाँ जीरो 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 से सॉरी जीरो, हाँ 0 होगा, ठीक है। 0 हो गया तो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? +1 होगी कि नहीं होगी? ठीक है, फ्लैग की वैल्यू थी 1, +1 होगी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गई, ठीक है। अब आई की वैल्यू है 3, ठीक है, 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर होगा 9 mod 4 क्या होगा? वन वन होगा, आएगा, वन आएगा। वन आ गया तो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? 2 + 2 ही रहेगी, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई 5, ठीक है, नाइन मॉड 5 क्या होगा? 4, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू क्या हुई? 2 ही रहेगी, चार ठीक है। फिर हो गई आई की वैल्यू 6, ठीक है, 9 mod डिवाइड बाय 6, 6 क्या होगा? आउटपुट क्या आएगा? हाँ 3 आएगा, 3 3 आएगा, आएगा, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी? हाँ 2 2, 2 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि 0 नहीं आया, हाँ ठीक है। नहीं अब आई की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। फिर क्या होगा? 7 mod सॉरी नाइन नहीं मॉड सर, 9 नाइन मॉड मॉड 7 ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा? 2 2 2 आ गया, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी? 2 ही रहेगी, रहेगी, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई हाँ 8, ठीक है, क्या होगा? 9 mod 8 इक्वल टू 1, वन आएगा, ठीक है। तब क्या होगा? फ्लैग की वैल्यू
टू टू रहेगी, होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का लूप की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। 9 mod 9 क्या होगा? जीरो 0 हो जाएगा, जीरो ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? थ्री 3 हो गया। टू थ्री अच्छा अरे 2 plus 1 3 होगा ना, हाँ सच है थ्री हुआ, ठीक है। फिर लूप की वैल्यू हो गई 10, एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। क्लोज हो गया लूप हमारा, क्लोज हो गया। अब फ्लैग की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है। क्यों 3 है? पहली बार यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ था, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हो गया, ठीक है। 3 बार कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ था, तो फ्लैग की वैल्यू क्या हुई? 3। इससे हम लोग को पता चलेगा कि 3 बार कम्प्लीटली डिविजिबल हो चुका था, ठीक है। लूप के बाहर आ जाएंगे, अब स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, इफ फ्लैग इक्वल टू 2। फ्लैग की वैल्यू क्या है? क्या है फ्लैग की वैल्यू? 3 इक्वल टू 2 क्या है? फॉल्स है कि फॉल्स ट्रू है? फॉल्स फॉल्स है, तो क्या बताएगा? नॉट प्राइम, फॉल्स डॉट प्राइम ठीक है ठीक है। क्लियर, जी सर समझ में आया सबको कैसे ड्राई रन करते हैं? लॉजिक समझ में आया जी अच्छे सर से, ठीक है। दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ये। अगर फॉर लूप पढ़ते समय अगर प्राइम नंबर का क्वेश्चन नहीं बनाया, तो हम लोग का सी लैंग्वेज पढ़ने का जो मतलब सब चीज़ व्यर्थ है, ठीक है। अगर ये प्रोग्राम नहीं बनाया तो, ठीक है। अगर लॉजिक समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है सी लैंग्वेज पढ़ने का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा अभी भी, तो दोनों स्क्रीनशॉट देखना और एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। जितने बार इसको ट्राई करोगे उतना ही अच्छे से समझ में आते जाएगा, ठीक है। क्योंकि लॉजिक बनाना ही हम लोग को यहाँ सीखना है, और लॉजिक पे ही पूरा प्रोग्रामिंग चलता है, लॉजिक पे ही पूरी दुनिया चलती है, ठीक है। दुनिया में जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं सब लॉजिक पे काम करते हैं, ठीक है। देखते हो ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम लोग को मोबाइल भी चलाना है तो मोबाइल ऐसे ही थोड़ी चल जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग की जाती है तब तो मोबाइल चलता है, ठीक है। जैसे हम लोग कैमरा में यूज़ करते हैं पोर्ट्रेट मोड, यूज़ किए हो कभी? सबके मोबाइल में आजकल हाँ चार चार पाँच पाँच कैमरा रहता है, ठीक है। कुछ दिन में पूरा बैक में पूरा कैमरा ही लगे रहेगा उसमें, ठीक है। तो उसमें एक पोर्ट्रेट मोड रहता है आजकल, तो पहले तो सॉफ्टवेयर से किया जाता था, आजकल लेंस से किया जाता है उसको, ठीक है। तो जब हम लोग पोर्ट्रेट मोड ऑन करते हैं, तो अगर किसी का हम लोग फोटो खींचते हैं तो उसको छोड़ देता है, बाकी सारा चीज़ ब्लर कर देता है ना, होता है ऐसा। तो उसमें लॉजिक लगाया होगा कुछ ना कुछ, उसमें ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और बाकी सारा चीज़ ब्लर कर देता है, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाए होंगे ना, तब तो काम कर रहा है, ठीक सर है। उसमें पोर्ट्रेट वाला प्रोग्राम रन होता होगा उसके लिए हाँ, उसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन रन होता है, पोर्ट्रेट रन होता है, दो तीन चीज़ें एक साथ रन होती है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनते हैं तो वो लॉजिक पे ही काम करते हैं। लॉजिक मीन्स एक प्रोसेस होता है उसका, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग बना रहे हैं ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग एक एक प्रोसेस रन करके देखे हैं अभी, खुद से मैनुअली रन करके देखें अभी, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर भी काम करता है, सेम वही चीज, ठीक है। क्लियर, ठीक है। सर किसका नाम नहीं है बोल रहा था, कौन है बताओ? न्यू एडमिशन है क्या? क्या नाम था?
किसने मैसेज किया था, एक मिनट चैट में देख लेते हैं। सर महबूब खान नाम है उसका। महबूब खान है क्या, सुन पा रहा है महबूब खान? महबूब खान तो है ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं है। कौन से क्लास का था, कुछ अता पता ही नहीं है उसका। ग्रुप में देखते हैं, मिल जाएगा। नाम ही नहीं थे तो ऐड कहाँ से है। महबूब खान है तो BCA में है। चलो इसको ऐड कर देते हैं। न्यू एडमिशन हो गई है फिर। हो सकता है न्यू एडमिशन हो सकता है। महबूब खान BCA 1। ठीक है, कितने हो गए हैं स्टूडेंट्स BCA 1 में? 53। ओके ठीक है, सभी लोग अटेंडेंस लगा लिए होंगे शायद, है ना? समझ में आया कि नहीं आया फॉर लूप कि नहीं आया? सर आ गया आ गया, अच्छे से आ गया। ठीक है, इसके एक दो प्रोग्राम और करेंगे। ठीक है, एक हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे फिबोनाची सीरीज। ठीक है, से हुआ बताइए क्या नाम था सर उसका। सर कौन सा? अभी जो बोले आप फिगो ना का क्या तो बोले सर आप। महबूब। अरे महबूब अरे नहीं, प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची। अच्छा सर ठीक है, एक काम करना, इसको गूगल सर्च करना, मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको से एक बार समझने की कोशिश करना, फिबोनाची सीरीज होता क्या है, बस इतना बस जान लेना कि होता क्या है। ठीक है, सर्च कर लोगे, मिल जाएगा। आता है कि नहीं आता है? गूगल यूज़ करना, यस सर। सर आता है आता है ना? ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सर। तूने क्या सब लोग? लिखे हो हाँ, ये वाला प्रोग्राम हम लोग कल देखेंगे। जैसे अभी प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम देखे, वैसे ही एक सीरीज होता है। ठीक है, वो सीरीज हम लोग जनरेट करेंगे। सर। ये क्या अपनी स्क्रीन पे हाँ, सर ये क्या लिखे हो आप स्क्रीन पे। क्या दिख रहा है? फाइबोनाची सीरीज फाइबोनाची फाइबोनाची नहीं है, वो फिबोनाची है, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, ये वाला सर प्रोग्राम हम बनाए लोग तो कल देखेंगे, कल बनाएंगे वाला प्रोग्राम, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? सर आ आ रही रहा है सर, है। यस आ रहा है ना, मैं ये बोल रहा हूँ। सर ठीक है, किसी कुछ पूछना होगा तो पूछ लो, बोल रहा हूँ। नहीं पूछना है? ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे, सेम प्लेस सेम टाइम सेम लिंक। ठीक है, 10:30 बजे। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।